सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी भी जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे मेरी मौता मना गुजारिश है कि काफी कुर्सी में जगह है पर अंदर इला अंदर आके बैठ जाए। उपनिषद का आगाज शुरुआत हो चुकी है, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब तीसरे नंबर पर आ रहे हैं अजमल हनीफ भाई जो नाच पढ़ेंगे मेरे आका का तराजू शायर के जोक से। मेरे आका का तराना हम बाबा ने मुझसे मुझे
आइए अब हमारे जनाब महमूद भाई वो आपको एक जानते बाकी मुस्तफा सुनाए इंशाल्लाह। महमूद भाई को मैं दावत सुखन इस शेर के साथ देना चाहूंगा। वो चमक चांद में है न सितारों में है, वो चमक चांद में है न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नजारों में है, जो मदीने के दिलकश नजारों में है। अरे बेजुबान पत्थर को भी बख्श दी जुबान, बेजुबान पत्थरों को भी बख्श दी जुबान, ऐसी ताकत मेरे नबी के इशारों में है, ऐसी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। आइए माइक पर जनाब महमूद रजा कुरैशी। सबसे पहले तो हम जनाब आसिफ बाबू मिर्ज़ादा जो सीता मस्जिद के बेसीमा में उनका डेरावाला यंग कमेटी की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका के जो साहबजादे आए हैं उनका भी इस्तकबाल करते हैं, और उसके बाद हमारे सुन्नी सिद्दीक अकबर मस्जिद के बेसीमा जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब का भी डेरावाला यंग कमेटी की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आइए दो तीन शेर मैं भी पढ़ूं ताकि मेरा भी सनाहाने मुस्तफा में नाम शामिल हो जाए। मैं तो ऐसा कोई बड़ा नातवा नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कोई अच्छी नात पढ़ने। وسلم عليك يا حبيب الله। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मदीना शरीफ का दीदार करे, हर किसी की हर सुन्नी की तो होती है, अगर उससे भी ऐसे आए हो जाए कि मदीना शरीफ में मौत आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो नाम का मतला जो पढ़ रहा हूं उसमें शायद कुछ ऐसा ही होता है।
زندگی حقیقت میں زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کی کوچے میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کی کوچے میں جس کو موت آئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں پوری دنیا میں بہت ہی حالت تھی, پتھروں کو لوگ پوچھتے تھے, بیٹیوں کو اس طرح دفن کر دیتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سب جہالت دور ہوئی. ایسی بات کو اس کے شعر میں شاید کرتا ہے چار سو دینا تھا